अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तभी ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो हमारा ये है कि आप लोग अपनी GTA 5 को किस तरीके से मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के पास ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो ऑनलाइन प्ले नहीं कर पाते और उनका रॉक स्टार एडिटर नहीं चलता और इस तरीके के और बहुत से इश्यूज़ हैं जो कि वीडियो सॉरी गेम अपडेट ना होने की वजह से आप लोगों के सामने आते हैं। तो मैं आज आप लोगों को गेम अपडेट करना सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से मैन्युअली गेम अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो पूरी देखेंगे तब ही आप लोग जो है इसे अपडेट कर पाएंगे। अगर नहीं पूरी देखेंगे तो आप लोगों को परेशानी जो होगी इसमें काफ़ी सारी होगी। तो जहां से आप लोगों ने इसका अपडेट डाउनलोड करना है वो तो मैं लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? वो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इजीली 2.7 GB की तकरीबन जो है ये फाइल होगी वो जो है आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है? डाउनलोड जैसे कि मैंने ये डाउनलोड कर रखी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये फाइल है, ठीक है? ये फाइल आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद इसे आप लोगों ने क्या करना है, जब वो आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाए आपने इसके एक्सट्रैक्ट कर लेना। मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखी हुई, ये देखें, ये रही एक्सट्रैक्ट करके रखी हुई है, ठीक है? एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसे खोल लेना। खोल लेने के बाद आप लोगों के सामने ये कुछ ये तीन जो है फाइल्स आएंगे जिसमें से इंस्टॉल करना चाहते हैं, कैसे इंस्टॉल होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश में आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी, लेकिन आप लोग मेरी वीडियो देख कर आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आप लोग आ जाएंगे ये पेज वाले फाइल फोल्डर में। पेज वाले फोल्डर में आएंगे तो आप लोगों को ये फाइल्स नजर आएंगी। आप लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली इन मैं खोल लेता हूँ अपना GTA 5 की मेन डायरेक्टरी। काफ़ी दोस्तों को नहीं खोलने आती, तो आप लोगों को क्या करेंगे, जो आपके डेस्कटॉप पे GTA 5 का शॉर्टकट है राइट क्लिक करेंगे, उस पर राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा है कि ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है? आप फाइल लोकेशन करेंगे तो सीधा आप लोग जो है GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में आ जाएंगे। आप ये एक तरफ मेन डायरेक्टरी खोल लेंगे और दूसरी तरफ आप लोग वो फोल्डर खोल लेंगे जिसमें आपका जो है जो आपकी पेज फाइल थी जो आपने डाउनलोड की है वो खोल लेंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो 6 फाइल्स हैं इन्हें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सीधा जो है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है? इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये आपको रिप्लेस का ऑप्शन देगा, आप लोगों ने सिंपली इसे रिप्लेस कर देना है, ठीक है? रिप्लेस करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। अब ये तो मैंने रिप्लेस आप लोगों को करके दिखा दिया है, नेक्स्ट में आप लोगों को ये हो गया रिप्लेस, ठीक है? आप लोगों ने ये चीज़ समझ लेना है कि कौन सी फाइल को कहाँ पे हम लोगों ने रिप्लेस करना है। अगर आप लोगों ने गलती की तो आप लोगों की गेम क्रेश हो जाएगी, लेकिन उस क्रेश को आप लोग कैसे ठीक करेंगे, वो फाइल्स फिर से आपने डिलीट करनी है और आप लोगों की गेम ठीक हो जाएगी। अब आ जाएंगे हम लोग ये अपडेट फोल्डर में। ये जो ये फाइल तो हम लोगों ने डाल दी, ठीक है? ये हमारा वो वाला फोल्डर है जो हमने डाउनलोड किया है नेट से। अपडेट में आ जाएंगे। अपडेट में आने के बाद ये देखें, ये 2 फाइल्स हैं, अपडेट RPF और अपडेट 2 RPF। अब यहाँ भी हम लोग जो ये मेन डायरेक्टरी है हमारी GTA 5 की उसमें आ जाएंगे। ये जो अपडेट का फोल्डर है इसे खोलेंगे, ये रही वो 2 फाइल, अपडेट RPF और अपडेट 2 RPF। और अब क्या करना है, ये जो हमारा डाउनलोडेड RPF फाइल्स हैं इन्हें हमने यहाँ उठाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ये रिप्लेस का ऑप्शन देगा, आप लोगों ने रिप्लेस कर लेना है। मैंने पहले से किया हुआ इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, जो है कॉपी होने में टाइम लगता है, ठीक है? मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो X24 लिखा है, X64 लिखा है, X64 में आ जाएंगे, DLS पैक्स में आ जाएंगे। अब ये फिर से आपके सामने ये 4 फोल्डर्स आ जाएंगे। और अब आपने क्या करना है कि इन्हें पेस्ट कहाँ करना है, ये जो 4 फोल्डर्स थे पेस्ट कहाँ करना है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। अब आप लोग आ जाएंगे X64 में, जो यहाँ पे X64 है जो कि GTA 5 की मेन डायरेक्टरी है। अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझ लेना है ये, अगर आप लोगों ने गलती की तो आपकी गेम करप्ट हो जाएगी, ठीक है? अब X64 में आ जाएंगे, यहाँ पे 3 फोल्डर है, DLS पैक्स में आना है, DLC पैक्स में, क्योंकि यहाँ भी हम लोग DLC पैक्स में आए थे, तो DLC पैक्स में आ जाना है। DLC पैक्स में आने के बाद यहाँ जब ये आपके पास फोल्डर आ जाए, अब आपने क्या करना है, ये जो 4 फोल्डर हैं इन्हें सेलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है हमारी मेन डायरेक्टरी में, ठीक है? रिप्लेस आप लोगों से मांगेगा, आप लोगों ने रिप्लेस लाजमी करना है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये हुआ हुआ है, 2 GB की फाइल्स हैं, टाइम लगता है तो इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने के बाद ईजिली आप लोग जो है ये आपकी गेम अपडेट हो चुकी है, यहाँ पे आपकी मतलब समझो हो गया, आपने इतना कर लिया, गेम अपडेट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, मैं इसके जो है सारे फोल्डर्स बंद करने हैं, बंद करने के बाद आपने अपनी गेम को प्ले कर लेना है, ठीक है? ये मैंने अपनी गेम प्ले कर ली है, गेम स्टार्ट होने में थोड़ा कुछ 1-1.5 मिनट लग जाता है, तो मैं तब तक अपनी जो वीडियो है वो पॉज कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने अपनी ये वीडियो पॉज की थी, यहाँ पे हमारी जो गेम है वो अपडेट हो चुकी है।
अब अपडेट आप लोगों ने किस तरीके से चेक करना है कि अपडेट हुई है या नहीं है, हुई है या वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे काफ़ी लोगों को मसला आ रहा था उनको ऑनलाइन प्ले होने में, ये देखें आप, अब यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है कि आप लोग इजीली गेम जो है वो ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं। पहले जब आप लोग ऑनलाइन प्ले कर रहे होंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा कि जो है रॉकस्टार सर्विस अवेलेबल, तो अब वो मसला हल हो चुका है। अब आप सिर्फ GTA 5 पर ऑनलाइन जो है लॉग इन करेंगे सोशल क्लब पर और आपकी जो है गेम चल पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बाहर से कैसे पता पड़े कि ये अपडेट हुई है या नहीं हुई। ये मैं गेम बंद कर दिया, मैंने 1 सेकंड ये बंद हो जाए। अब ये देख सकते हैं कि आप लोग ये बंद हो चुकी है। हम लोग GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में चले जाएंगे। मेन डायरेक्टरी में आने के बाद ये जो जहाँ से हम लोग गेम को प्ले करते हैं आपने इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप यहाँ पे डिटेल्स में आ जाएंगे। डिटेल्स में जब आ जाएंगे तो ये जो वर्जन लिखा है, ठीक है, ये जो वर्जन लिखा है आप जो पहले आपका वर्जन था आप लोगों ने वो भी देख लेना है, और जो अब वर्जन है ये देख लें 1.0.2699, ये जो है फुली जो है वर्जन हमारा अपडेट हो चुका है। जब आप लोगों की यहाँ पे चेंजिंग आ जाए, पहले जो नंबर्स थे वो दूसरे, मतलब जो वर्जन था वो कुछ और होगा, जो आपके पास होगा पुराना जो भी आप यूज कर रहे होंगे, जो अब होगा वो और होगा, मतलब ये लिखा होगा 1.0.2699.0। तो ये जब आ जाए तो समझ लें आपकी गेम अपडेट हो चुकी है, आप सारे फीचर्स जो है आप गेम के इंजॉय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए मजीद एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो।